बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मानो। आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी रेसिपीज मिल सके, मज़ेदार सी रेसिपीज आप लोगों को मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की चिकन कढ़ाई। पहले मैंने लिया पैन में 1 कप ऑयल, क्योंकि कढ़ाई है तो कढ़ाई में ज़रा तेल अच्छा ही लगता है। फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट का। अब इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट को। अब मैंने इसमें 1/2 किलो चिकन अपना ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाए। इतना ज़्यादा भी क्रिस्प नहीं करूँगी मैं बोटियों को, लेकिन लाइट सा करूँगी। ये देखें मेरा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी काफ़ी अच्छा चेंज हो चुका है। मैंने 5 से 6 टमाटर लिए थे, इनको मैंने हाफ कट करके वो मैंने रख दिया है। और जैसे ही थोड़ा सॉफ्ट होंगे मैं इनको कवर करके रख दूंगी, मैं इनका छिलका उतार लेंगे। 5 मिनट के लिए मैंने इनको कवर करके रखा था ताकि इनका छिलका जो है आराम से इजीली निकल सके। अब देखिए 5 मिनट्स हो चुके थे तो मैंने इसका छिलका रिमूव कर रही हूँ टमाटरों का। अगर आप चाहें तो आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं टमाटरों का, लेकिन इस तरह से ही अच्छे हल भी हो जाते हैं और कढ़ाई का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब देखिए मैं इसको हल्के हल्के हाथों से इसको मैश कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। टमाटरों को अच्छी तरह हल करेंगे, मैश कर लेंगे और ये पूरी अच्छी तरह देखिए घुल रहे हैं। देखिए अब टमाटर अपना अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं और अपना पानी भी छोड़ रहे हैं। तो हमें हाई फ्लेम पे इसको मैं इसको कुक कर रही हूँ ताकि इसका पानी भी जल्द से जल्द ड्राई हो जाए, क्योंकि हमने चिकन को भी अच्छा खासा फ्राई किया हुआ है, फिर चिकन की ये ना कि बोटियाँ टूटने लग जाएँ, इसलिए मेरा फ्लेम हाई है। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने साबुत धनिया का ऐड किए हैं और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरे का ऐड किया है। धनिया और ज़ीरा जो भुना हुआ होता है उसकी खुशबू और बहुत अच्छी आती है, ख़ास तौर पे कढ़ाई वगैरह में, और इससे टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और अच्छा हो जाता है। और मैंने इसमें 1/2 टीस्पून डाली थी वाइट पेपर। कम मसालों से बनेगी कढ़ाई लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई कर लेंगे, टमाटरों को भी अच्छी तरह से भून लेंगे, कुक कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल आना शुरू हो गया है। मैंने 1 कटोरी दही की ली थी, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून इसमें भरकर क्रीम के ऐड किए थे, उसको मैंने बीट करके रखा हुआ था, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। उससे हमारी कढ़ाई का तो टेस्ट और उसका टेक्सचर बहुत ही चेंज आएगा, जैसे कि हम लोग रेस्टोरेंट्स में खाते हैं या ढाबा स्टाइल जिस तरह हम कढ़ाई खाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट लगेगी। अब देखिए इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल आने लगा, तो मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सॉल्ट आने के बाद अच्छी तरह मैंने इसको भूना, देखें ऑयल कितना अच्छा ऊपर आया। अब मैंने जो मैंने आपको बताया था कटोरी में मैंने दही लेकर 2 टेबल स्पून मैंने क्रीम ऐड करके उसको मैश कर लिया था, अब मैंने इसमें वो भी ऐड कर लिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि जो हमारे दही का पानी है वो ड्राई हो जाए और एक अच्छा सा हमें टेक्स्चर मिल जाए, फिर हम इसको नान के साथ खाएँ तो बहुत मज़ा आए।
अब देखिए इसमें मैंने अच्छी तरह से भुना, हल्का हल्का ऑयल ऊपर आने लगा। मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला ऐड किया है पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी का ऐड करके इसको कवर करके रख दिया है। कसूरी मेथी तो कढ़ाई में अच्छा लगती है, खुशबू भी अच्छी आती है इससे। अब ये अच्छी तरह से अपना जब तक ऑयल नहीं छोड़ेगी जब तक हमने इसको कुक करना है। देखिए मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आप सबको बड़ी पसंद आएगी। आप इसका मसाला भी चेक कर सकते हैं कि इसका मसाला देखें कितने अच्छे टमाटर मैश हो चुके हैं, सारा मसाला बिल्कुल मिक्स हो चुका है और ऑयल भी बहुत अच्छा ऊपर आ चुका है। कढ़ाई हो, पाए हो, नहारी हो, इनमें तो रौनक होती है ऑयल की, और क्योंकि देसी खाने हैं तो इनमें अच्छा भी लगता है ऑयल वगैरह ज़्यादा। लेकिन अगर आप लोग कम खाते हैं तो आप लोग कम या ज़्यादा अप सकते हैं। देखिए अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ कढ़ाई को, और मैं इसके साथ खाऊंगी मज़ेदार से नान। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।